वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला, आसिफ जरदारी कल मौलाना फजलुर्रहमान से मुलाकात करेंगे। तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत होगी, हुकूमती इतिहादियों से राबतों पर भी तबादला ख्याल होगा। दो दहाइयों बाद पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज पर पूरी कौम खुश, अगर किसी के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं तो वो हमारी चूं चूं का मुरब्बा ऑपोजिशन है। सियासी मुखालफीन पहले टेस्ट मैच के वक्त रावलपिंडी में अपना शो करना चाहती है, फवाद चौधरी की तनकीद। ऑपोजिशन का तहरीक अदम एतमाद का ऐलान, एक नई डील के लिए चार इतिहादियों से मिलकर सियासी मुखालफीन की एहतसाब से बचने की कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने वाज़े कहा, एनआरओ का इम्कान जीरो है। शाह महमूद कुरैशी। वज़रा को इलेक्शन मुहिम चलाने की इजाज़त कैसे दी जा सकती है? अरकान पार्लियामेंट को रियासती वसाइल के गलत इस्तेमाल का भरपूर मौका मिलेगा। तबाही सरकार ने सदारती ऑर्डिनेंस के लिए पार्लियामान को मुअत्तल किया, हुक्मरान अवाम के खौफ में किस हद तक चले गए? शहरी रहमान। घर बनाने के लिए लोगों में 40 अरब रुपए से जायद तकसीम, साबिक हुक्मरानों को गरीब के लिए छत का ख्याल कभी नहीं आया। माजी की हुकूमतों के गलत फैसलों से बिजली महंगी हुई, तनकीद दलील के साथ करनी चाहिए, वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब। ऑपोजिशन घबराए हुए लोगों का टोला है, इन्होंने किस्मत आजमा ली, ये अब फिर से इकट्ठे हो रहे हैं। सियासी मुखालिफ दोबारा अफरा तफरी चाहते हैं, इन हाउस हो या आउट, तब्दीली नहीं आ सकती। हलीम आदिल शेख। सेहत कार्ड पर तनकीद अफसोसनाक, नए प्रोग्राम के आगाज में कुछ ना कुछ मसाइल आते हैं। 1 लाख से जायद अफराद सेहत कार्ड से मुस्तफीद हो रहे हैं, सरकारी अस्पतालों की तादाद में इजाफा कर रहे हैं। वजीर सेहत पंजाब यास्मिन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में अमन अमान की अबतर सूरत हाल, जमात इस्लामी का आज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज का प्लान, सोचे समझे मंसूबे के तहत हालात खराब किए जा रहे हैं, जराइम पेशा अफराद लोगों को कत्ल कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, हाफिज नईमुर रहमान। कोरोना के फैलाव में कमी, मुस्बत केसेस की शरह 3.29% पर पहुंच गई, मोहलिक वायरस से मजीद 33 अफराद जान बहक, अब तक 30,009 बाद 24 घंटे के दौरान 1,644 नए मरीज। अदम अदायगी से मुतालिक इल्जामात बेबुनियाद करार, जेम्स फॉल्कनर की पाकिस्तान सुपर लीग में शिरकत पर पाबंदी आयद, ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ने पीएसएल को बदनाम करने की साजिश की, रवैये से कोयटा ग्लैडिएटर्स को भी मायूसी हुई, पीसीबी का रद्दअमल। पीएसएल 7 का आखिरी डबल हेडर, कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स दोपहर 2:30 बजे आमने सामने, मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड दूसरे मुकाबले में शाम 7:30 बजे मध्य मुकाबल, शादाब खान की शमूलियत, फिटनेस टेस्ट से मशरूत। और आमिर खान बॉक्सिंग का बड़ा मुकाबला हार गए, मैनचेस्टर में पाकिस्तानी नयाद बरतानवी बॉक्सर को हमवतन केल ब्रॉक के हाथों शिकस्त, छठे राउंड में टेक्निकल नॉकआउट कर दिया।